राधे राधे मेरी YouTube फैमिली, भिंडी का नाम सुनते के साथ ही मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि मुझे भिंडी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, भिंडी ना मैं जिस तरीके से बनाते हूँ शायद आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनको जितना सिंपल वे में बना जाए उनका टेस्ट उतना ही ज़्यादा आता है। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी की बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी। भाई मैं तो भिंडी को इसी तरीके से बनाती हूँ, ऐसा बोल सकते हो। मेरे घर में तीसरे दिन भिंडी को बनने का टाइम आ ही जाता है, मतलब भिंडी का नंबर आ ही जाता है, एक दिन छोड़ के तीसरे दिन बनी जाती है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी ली है, इनको मैंने धो लिया था और एक घंटा पहले इस बास्केट में रख लिया था, क्योंकि काटने से पहले ना इनका मॉइस्चर सूखना ज़रूरी होता है। फिर इनका हेड और टेल यानी आगे और पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको काट के साइड में निकाल देते हैं, और मैं भिंडी को ना ज़्यादा करके इसी तरीके के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना पसंद करती हूँ। चलिए, भिंडी काटने का जो टाइम होता है ना, मतलब वो बहुत लंबा चलता है, उससे भिंडी बहुत देर में कटती है क्योंकि मैं इसको छोटे टुकड़ों में कट करती हूँ। सारी भिंडी काट लिया, हरी मिर्च भी डाल लिया और नींबू काट के रख लिया है, डेढ़ नींबू मैंने यहाँ पे ले लिया है। चलिए, गैस को ऑन कर देते हैं और यहाँ पर रख दी है मैंने कढ़ाई। दोपहर का टाइम हो रहा है ना, थोड़ा सा जल्दी होती है, आप ही बोलोगे, नहीं तो आपको तो हमेशा ही जल्दी रहती है। अब रहती तो है, आपके साथ भी वीडियो वगैरह शेयर करती हूँ और अपने घर का सारा काम देखती हूँ तो जल्दी रहती है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। चलिए, यहाँ पे जैसे मैंने कढ़ाई रख दी है, काफ़ी सारी मेरी भिंडी है तो मैंने बड़े वाली कढ़ाई रख लिया है, और कढ़ाई को ज़रा हम गर्म हो जाने देते हैं। तो जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाती है, हम डाल देते हैं अपनी नए वाली बोतल में से यहाँ पर सरसों का तेल। तो आज मैं पहली बार इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये बोतलें मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, इसकी छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर भी की थी, तो इसी का ही डेमो चल रहा है आजकल, देखती हूँ ये कितनी अच्छी रहती है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, वो बोले थे कि दीदी ये बोतलें अच्छी नहीं है, तो चलिए बाद में देखा जाएगा अच्छी है कि बुरी है। तेल के गर्म होते के साथ ही आधा छोटा चम्मच के जितना सरसों के दाने, एक बढ़िया सा चम्मच भर के जीरा मैंने यहाँ पे डाल दिया है, साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक चौथाई चम्मच के जितना जो अपना मेथी दाना होता है, साथ में मैंने यहाँ पर ये हींग ले लिया है, ये है गोल्डी का हींग और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस बार घर पे आ गया था तो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दो चुटकी के जितना मैंने यहाँ पर ये हींग डाल दिया है, और इन सभी चीज़ों को थोड़ा अच्छे से हम चटका लेते हैं। आप हींग देखिए, जैसे मैं ये हींग यहाँ पर डालती हूँ ना तो ये इकट्ठा सा हो जाता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ज़्यादा करके इस्तेमाल करती हूँ MDH का या फिर कैंच का, ठीक है ना, वे ही दोनों हींग मेरे फेवरेट हैं। अब जैसे हमारा ये तड़का अच्छे से भुन जाता है, हम यहाँ पर ये भिंडियाँ डाल देते हैं, और भिंडियों की अगर मैं कटिंग की बात करूँ तो आप अपने हिसाब से ना इनकी कटिंग कर सकते हैं। किसी किसी को बड़े पीस पसंद होते हैं, किसी किसी को छोटे पीस पसंद होते हैं, मुझे छोटे छोटे पीस ज़्यादा पसंद हैं। रेसिपी बनानी हो तो बात अलग होती है। अब हमारे घर पे भिंडियों पे हरी मिर्च डाल के खाया जाता है, तो मैंने यहाँ पर ना 6-7 हरी मिर्च को छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लिया था, जैसे भिंडी काटी ऐसे ही काट लिया था, और साथ में ये जो हमने डेढ़ नींबू ले लिया था ना, इसको भी मैं यहाँ पे निचोड़ लेती हूँ। ये जो लकड़ी का है ना, ये मेरे बहुत काम आ रहा है, नींबू निचोड़ने की एक लकड़ी की मशीन है ये, इससे आसानी से नींबू निचड़ जाता है ना। उसके बाद यहाँ पर हम अपने टेस्ट के हिसाब से नमक या एक छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना किसी टमाटर का, ना किसी लहसुन प्याज का, ना किसी दही वही का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपली भाई मैं तो अपने घर में इसी तरीके से भिंडी बनाती हूँ, और इनको करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके इनको अच्छे से भून लेती हूँ, ताकि मसाले हमारे अच्छे से भून जाए और जो हमारी भिंडी है ना, इनके ऊपर भी तेल वगैरह की अच्छी सी कोटिंग हो जाए, इससे भिंडी हमारी खिलखिली बनती है। मैं तो इनको बिना नींबू के भी बना लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि नींबू हमेशा होता ही है, अक्सर होता ही नहीं है। 10 बार भिंडी बनाती हूँ तो शायद ही एक बार मिलता होगा नींबू मुझे, नहीं तो बिना नींबू के बना लेती हूँ। इसको कवर कर देते हैं, गैस का फ्लेम एकदम लो कर देते हैं, और 6 से 7 मिनट के लिए इनको धीरे धीरे पकने देते हैं, और 6 से 7 मिनट के बाद गैस को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देंगे, घड़ी देख के भी आप कर सकते हैं, और बस 2-4 मिनट के लिए और रखा रहने देंगे। तो क्या आप देखोगे, आपकी खिलखिली भिंडी बन के तैयार है। इसमें एक चिपचिपाहट सा होता है ना, रालापन सा होता है ना भिंडियों के अंदर, ये नहीं रहेगा बिल्कुल भी। ना आपको दही डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको नींबू डालने की ज़रूरत पड़ेगी। आज तो मैंने डाला है, मैं नॉर्मली नहीं डालती हूँ, और बस ये हमारी भिंडी की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, चाहे तो आप इसको पराठों के साथ बनाओ, या फिर आप सिंपल रोटी के साथ खाओ, या फिर आप हमारी तरह चावल के साथ भी खा सकते हो, बेहद टेस्टी लगती है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा ना सिंपल चीज़ें ही बनाई जाती है, कोई मुझे रेसिपी सूट करनी होती है तो वो मेरी
मजबूरी होती है जिसमें मुझे थोड़े बहुत मिर्च मसाले डालने ही होते हैं। देखिए एक एक पीस हो रहा है। आज की भिंडी की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।